नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी राशि अनुसार आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। सभी लोग जानना चाहते हैं उनका आने वाला समय कैसा रहेगा। ये जानने के लिए सभी उत्सुक होंगे कि साल का ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या कोई चमत्कार होगा या फिर आपका भाग्य बदल सकता है या फिर किसी नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हम आपको आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए आपकी राशि के अनुसार इसका सटीक आंकलन अक्टूबर महीने के अनुसार करेंगे, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सके। आइए जानते हैं, अगर अक्टूबर के महीने में हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के परिवार में किसी रिश्तेदार का आगमन हो सकता है तथा उनकी ओर से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। अगर आपका कोई पारिवारिक दोस्त है तो उनका घर में आना भी हो सकता है। महीने के मध्य में पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी कहासुनी भी हो सकती है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि घर वालों के मन में आपको लेकर किसी बात की चिंता रह सकती है, ऐसे में उनसे खुलकर बात करें तथा अपने स्वभाव को सरल रखें। किसी से कुछ छुपाने की बजाय सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार आपको रखना चाहिए। अगर कन्या राशि के बिजनेस और जॉब की बात करें तो धन के मामले में सजग होने की आवश्यकता है तथा थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी ही पड़ेगी। किसी भी बड़े खर्चों को करने से पहले या कहीं निवेश करने से पूर्व घर में विचार विमर्श अवश्य कर लें। व्यापार में लाभ आपको हालांकि मिलेगा तथा रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा, जिससे कि भूमि या शेयर में आप पैसा भी लगा सकते हैं। उन्हें इस महीने अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस महीने लाभ मिलने की संभावना बन रही है, इसलिए अपने चारों ओर आपको ध्यान बनाकर रखना होगा। अगर आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको अपनी जॉब से मोह भंग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़ें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार अवश्य कर लें। फ्रीलांस में काम करने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। अगर कन्या राशि की शिक्षा और करियर की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए महीना उत्तम रहेगा तथा उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों से लेकर छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन आप अवश्य करेंगे। साथ ही आप अपने करियर को लेकर भी बेहतर रणनीति बनाने का काम करेंगे, जो आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। अगर आपने पहले हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और अभी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और उसमें अंग्रेजी में कर रहे हैं तो ये महीना आपका मन बदल सकता है तथा आप फिर से हिंदी में पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप अगर प्रेम विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं या फिर एक जीवन साथी की खोज में है तो ये महीना आपके पिताजी के मित्रों में से किसी की ओर से शादी का प्रस्ताव आ सकता है। रिलेशन में रह रहे लोगों को अपने पार्टनर के साथ कहीं यात्रा करने का योग भी बन रहा है, लेकिन इसमें आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप विवाहित हैं तो अपने साथियों से दूर हैं तो आप इस महीने उनसे मिल सकते हैं। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, जिससे कि ये महीना आप दोनों के लिए यादगार बनेगा। अगर आपकी हेल्थ लाइफ की बात करें तो ये महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। शनि ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। अगर इस महीने आपने किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बरती तो आपको कोई गंभीर शारीरिक चोट लग सकती है, फिर पुरानी बीमारी बढ़ सकती है। इसके लिए आपको अभी से ही सतर्क रहना अति आवश्यक हो सकता है। शनि ग्रह के प्रकोप को कम करने के लिए अगर आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल को चढ़ाएं तो और गुड़ तेल का दान करें तो आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। अगर आपके लकी नंबर की बात करें तो अक्टूबर के महीने में अंक 8 आपके लिए शुभ रहेगा, इसलिए इस अंक को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। लकी कलर की बात करें तो शुभ रंग ग्रे है। इस महीने इस
कलर का ज्यादा उपयोग करें। वीडियो अगर पसंद आए तब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।